Hello guys, welcome back to my YouTube channel Security Bond. This is your host and dost Vishwendra Rawat. Thank you very much for an immense love and support that you have given in my previous YouTube video. Today I will talk about ethical hacking. Ethical hacking actual mein hai kya? So hacking ka matlab kya hota hai ki basically aapki koi bhi vulnerability hai. वनरेबिलिटी और उसको आप एक्सप्लॉइट करके कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कोई सिस्टम गेन का एक्सेस गेन कर रहे हो तो उसको हैकिंग बोलते हैं. तो एथिकल मींस कि आपने आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं और उन रूल्स के बेसिस पे आप काम करते हो जो कि ना तो किसी की प्राइवेसी ब्रीच करते हैं और ना ही आप किसी को किसी ऐसे टारगेट को अप्रोच करते हैं जो कि आपके उसने आपको प्रूव नहीं किया हो. सो एथिकल हैकिंग में मोस्टली क्या होता है कि बहुत तरह के हैकर्स होते हैं. कुछ उनके लिए कुछ कुछ डिफाइंड टर्म्स हैं सिक्योरिटी में. फर्स्ट इज ब्लैक हैट, देन ग्रे हैट, देन वाइट हैट. सो ये होते क्या हैं? ब्लैक हैट हैकर्स वो होते हैं जो बिना परमिशन के हैकिंग करते हैं. जैसे कि मोस्टली आप फ्रॉड स्कैम्स ये जो चल रहे हैं ये सारे ब्लैक हैट की कैटेगरी में आते हैं. उसके बाद होते हैं वाइट हैट हैकर्स, जिनको हम एथिकल हैकर्स भी बोलते हैं. वो परमिशन के बगैर किसी चीज़ पर भी हैकिंग नहीं करते. सो यू नीड अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और एग्रीमेंट जिसके बेसिस पे आप काम करो. सो वो होते हैं वाइट हैट हैकर्स. ग्रे हैट होते हैं जो मिक्स परमिशन भी होती है और कुछ चीज़ें, जैसे मान लीजिए मेरे पास परमिशन है बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मेरे को एक्सेस चाहिए होगा बट मेरे पास उस चीज़ की परमिशन नहीं है. बट इन केस लाइक इफ मुझे पता है कि उससे कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है तो मैं हो सकता है कि थोड़े ऐसे तरीके भी यूज़ कर सकूं, ऐसे टूल्स यूज़ कर सकूं जो एथिकली लीगली ना हो यूज़ करने के लिए. तो उन्हें हम ग्रे हैट कैटेगरी में करते हैं. उसके बाद आते हैं सुसाइड हैकर्स. सुसाइड हैकर्स दे डोंट केयर अबाउट द पनिशमेंट. लाइक मोस्टली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं सुसाइड हैकर. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको कोई पनिशमेंट दे रहा है नहीं दे रहा है. दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग. उसके बाद होते हैं स्क्रिप्ट किडी, एक टर्म होती है हम यूज़ करते हैं. तो आई वॉज एक्चुअली अ स्क्रिप्ट किडी अर्लियर. सो हर कोई जो भी इनिशियली कुछ कुछ स्क्रिप्ट लिखना जानता है, थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग जानता है और हैकिंग जानता है तो उनको स्क्रिप्ट किडीज बोलते हैं. वो एक्चुअल में पेनिट्रेट नहीं कर पाते. पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो असेसमेंट तो कर लेते हैं कि वहाँ वल्नरेबिलिटी है पर उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते. तो मोस्टली ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब सिक्योरिटी में ऐसा होता है कि आपको पेनिट्रेट करना भी वो ज़रूरी होता है, तभी आप कुछ या तो कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे. स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है कुछ हैकर्स को, उनको स्टेट स्पॉन्सर हैकर बोलते हैं. तो एक्टिविटी बेसिकली जिनका एजेंडा पॉलिटिकल होता है वो लोग हैकिंग का इस्तेमाल करके लोगों का माइंडसेट चेंज करना जस्ट फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, उनको हैक्टिविट्स बोलते हैं. एंड ये तो हुई जनरल चीज़ें जो एथिकल हैकिंग में आती हैं. उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे मैंने कुछ टर्म्स इस्तेमाल किए हम उसके ऊपर बात करते हैं. वल्नरेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है? तो किसी भी सिस्टम की वीकनेस को वल्नरेबिलिटी बोलते हैं. और फिर एक टर्म आती है एक्सप्लॉइट. एक्सप्लॉइट होता है आप उस वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर. ऐसा कोई भी कोड या फिर स्क्रिप्ट जिसके यूज़ से आप वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम पेलोड बोलते हैं. पेलोड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो एक्सप्लॉइट करने में बहुत हेल्प करते हैं आपकी. तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आप हमेशा सुनेंगे. इफ़ आई टॉक अबाउट ईसी काउंसिल, मैंने ईसी काउंसिल से सर्टिफिकेशन की हुई है एथिकल हैकिंग की. सो आई एम अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल नाउ. सो उसमें भी कुछ ऐसी टर्म्स थी जिनके बारे में बात करना चाहूँगा. जैसे कि डॉक्सिंग. डॉक्सिंग क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ इंफॉर्मेशन आप पब्लिकली अवेलेबल कर दें, किसी भी पर्सन या इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जब कभी भी आप पब्लिक कर देंगे
तो उसको डॉक्सिंग बोलते हैं हम। उसके बाद होते हैं जीरो डे अटैक्स होते हैं, तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन की वो वनरेबिलिटी होती है जब सॉफ्टवेयर डेवलपर किसी वनरेबिलिटी का पैचअप या इशू को ठीक करने वाला होता है, तो उसको हम बोलते हैं जीरो डे अटैक। फिर बात आती है बॉट्स की, ऑटोमेटेड कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे कोडिंग्स होती हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जो रन करती हैं, ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। जैसे कि मतलब आजकल मोस्ट ऑफ द आपने देखा होगा कि फेसबुक पे कुछ पेजेस बॉट्स का यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक रिप्लाइज आते होंगे आपको, तो उसको बॉट्स बोलते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये एलिमेंट्स 5 या 6 तरह के होते हैं मोस्टली, कई जगह आपको बुक्स में 5 मेंशन होंगे, कहीं 6 पे होंगे, तो मैं आपसे 6 के बारे में बात करूँगा। सो पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी। इंफॉर्मेशन का एक्सेस सिर्फ उसी इंडिविजुअल के पास होना चाहिए जिसको आपने एक्सेस प्रोवाइड किया है, तो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए वो चीज़, तो सबसे पहला एलिमेंट ये होता है। उसके बाद होता है नॉन रेप्यूडिएशन, लाइक मैंने आपको मैसेज भेजा और बाद में आई वुड नॉट एग्री कि मैंने भेजा है, बट एक्चुअल वो मेरी आईडी से गया है या मेरी फेसबुक आईडी से गया है या मेरी मेल आईडी से गया है, तो मैं मतलब ये चीज़ का कॉन्सेप्ट हमेशा सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं डिनाई नहीं कर सकता एक्चुअली, क्योंकि मेरे पास ही क्रेडेंशियल्स हैं, सो आई वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ़ आई एम शेयरिंग एनीथिंग टू एनीवन। सो नॉन रेप्यूडिएशन का कॉन्सेप्ट वो होता है। इंटीग्रिटी होती है कि ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ डेटा रिसोर्स, सो आप कितना ट्रस्ट करते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको डेटा भेजा तो आपको पता है कि मेरी तरफ से डेटा आ रहा है तो यू कैन ट्रस्ट इट, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि वो डेटा कहीं और से आ रहा है और आप फिर उसे ट्रस्ट कर लेते हैं, वो लेजिटिमेट नहीं होता और आप बहुत सारे फ्रॉड्स और स्कैम्स में फंसते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा अवेलेबिलिटी की, रिसोर्स अवेलेबल रहना। मान लीजिए यू आर शॉपिंग ऑन Amazon और एनी लाइक शॉप लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट, तो आप शॉपिंग कर रहे हो और आप वो चीज़ एक्सेस नहीं कर रहे, आपने कुछ ऑर्डर किया, बार बार आप ऑर्डर कर रहे हो, फेल हो रहा है, तो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी रहना बहुत ज़रूरी है। लास्ट और हमारा आता है ऑथेंटिसिटी की, क्वालिटी ऑफ बीइंग जेन्युइन बोलते हैं हम जिस चीज़ को, तो कितनी जेन्युइन है वो चीज़। मैं अपने क्रेडेंशियल्स डालूंगा तो क्रेडेंशियल डालने के बाद दैट सेशन इज ऑथेंटिकेटेड बाय मी विद अ वैलिड क्रेडेंशियल्स, तो हम उसे ऑथेंटिसिटी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी टर्म्स हैं हम सुनेंगे, तो मैं आपको और वीडियोस में साथ के साथ बताता जाऊंगा कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, ताकि आपको ईजी ना, बेसिक्स की बात करूँगा ताकि प्रैक्टिकल जो चीज़ें हों वो मैं बाद में कुछ कोर्सेज लॉन्च करने वाला हूँ, तो आप प्रैक्टिकली आप उनको परचेज़ कर सको और इजीली आप इफ़ यू वांट टू मेक अ करियर इन सिक्योरिटी इट विल रियली हेल्प यू आउट, एंड आई विल कम विद मोर अमेजिंग सिक्योरिटी वीडियोस दैट कैन रियली हेल्प यू आउट इन योर डेली नीड्स। सो मेरा मोटिव जो पर्पज़ है यूट्यूब वीडियोस बनाने का, ताकि जो एक नॉर्मल इंसान है वो भी उन चीज़ों को समझ सके और जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं वो उससे कुछ गेन कर सकें। लाइक मोस्टली आई विल बी टॉकिंग अबाउट लाइक वट एग्जैक्टली डेफिनेशंस क्या होती हैं, मेथडोलॉजीज क्या होती हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए, और प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए मैं आपके लिए कोर्सेज लाऊंगा ताकि आपको और हेल्प आउट हो। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सिक्योरिटी बान। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक।